सब्सक्राइब कीजिए यूपीएस दीपक चैनल को और जुड़े रहिए तकनीकी वार्तालाप से। बीजीएमआई तो दोस्तों देखो, जैसे भी बताया कि भाई बीजीएमआई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के काफ़ी सारे गेमर और इंतज़ार में है कि भाई गेम अभी तक नहीं आया। कुछ ने डेट बता भी दी थी कि भाई 10 जून को आ रहा है, तो दोस्तों अभी तक कोई डेट, मतलब वो डेट तो निकल भी गई पर गेम अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये 18 मई को प्ले स्टोर पर आ जाएगा। और आओ बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्या क्या। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि भी 20 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं प्ले स्टोर पर इंडिया का बैटल ग्राउंड। तो दोस्तों फेसबुक पर जाकर भी लाइक कमेंट कर सकते हो और यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पर जाकर कमेंट करके बता सकते हो। और एक अपडेट और दिया था यहाँ पर बीजीएमआई ने, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा था बैटल ग्राउंड ने कि कब तक आ सकता है, डेट कंफर्म करके बताओ। मतलब पूछ रहा था कि भाई एक बार अपनी अपनी राय दे दो कि आखिर कब तक गेम आ सकता है, डेट बता दो। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि 15 से 18 मई के जून के बीच में ये गेम आ सकता है, क्योंकि 18 मई को इसको रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। तो दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई 15 से 18 जून के बीच में ये गेम आ जाएगा प्ले स्टोर पर। और बात करें थोड़ी ऐप, तो दोस्त ऐप फाइल का, तो यहाँ पर दोस्तों गेम लगभग रहेगा ये 600 से 700 MB के बीच में इसकी फ़ाइल रहेगी, गेम की फ़ाइल। और बात कर दूँ तो दोस्तों ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं देखने के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। तो यहाँ पर ये गेम देखो क्रिप्टन की तरफ से बन रहा है, तो क्रिप्टन एक साउथ कोरिया कंपनी है गेमिंग। तो यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर भी वही कमेंट करके बता सकते हो, और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर दे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्ले स्टोर पर जाकर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना दी थी इस पर, तो दोस्तों जैसे ही पता है कि भाई इन्फिनिक्स नोट 10 लॉन्च हो चुका है और इसकी सेल भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं प्राइस की और थोड़ा प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर देखो 10,999 रुपये में 4 GB रैम 64 GB मेमोरी मिलने वाली है। और थोड़ी और जानकारी ले, तो यहाँ पर देखो दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, और यहाँ पर बैक कैमरा 48 MP और फ्रंट कैमरा 16 MP का, 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है यहाँ पर, और मीडिया टेक का G85 प्रोसेसर मिलने वाला है, 18 वाट की चार्जिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों सही फ़ोन है, मतलब गेमिंग के लिए भी यार सही फ़ोन रहेगा। और यहाँ पर देखो बात करते हैं एंड्रॉयड 11 यहाँ पर मिलने वाला है, और प्रोसेसर तो काफ़ी बेहतरीन है ही। तो यहाँ पर देखो डबल स्पीकर भी मिलने वाला है इन्फिनिक्स नोट 10 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर बुक कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, UPX दीपक चैनल में स्वागत है आपका, जुड़ रही है तकनीकी वार्तालाप से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आज बात होने वाली है ASUS गेमिंग लैपटॉप की। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ASUS की बात करेंगे हम, तो ASUS ने का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर उसका तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें। तो यहाँ पर देखो ASUS टप यहाँ पर गेमिंग F15 यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो अब बात करते हैं देखो क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो लैपटॉप काफ़ी स्लिम होने वाला है, और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर आओ बैटरी बैकअप की बात करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 30 मिनट में 50% यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर काफ़ी फास्ट चार्जिंग रहेगी। और यहाँ पर देखो 9.4 आवर्स यहाँ पर देखो ब्राउजिंग पर बैटरी बैकअप रहेगा, और यहाँ पर 14.7 वीडियो प्लेबैक, यानी कि हम अगर वीडियो देखते हैं डाउनलोड हुई तो काफ़ी, मतलब 14.5 घंटे यहाँ पर बैटरी का भी मिलेगा। और यहाँ पर देखो इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी काफ़ी मज़े के होने वाले हैं।
और यहाँ पर देखो गेमिंग कीबोर्ड मिलने वाला है, आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर वाईफाई 6 यहाँ पर मिलने वाली है, और यहाँ पर देखो यूएसबी के 3 केबल लगाने के लिए लैपटॉप में मिल जाएंगे और एक एचडीएमआई। तो दोस्तों मैं पहले बता रहा था काफ़ी सारे फीचर्स हैं इस, और काफ़ी बढ़िया होने वाला है गेमिंग के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों वो बात करते हैं एमआई के फ़ोन के बारे में। दोस्तों एमआई ने एक फ़ोन लॉन्च किया है एमआई 11 अल्ट्रा। तो दोस्तों वीडियो देखो बहुत ही खास होने वाली है। तो यहाँ पर देखो एमआई 11 अल्ट्रा में यहाँ पर देख सकते हो यार, यहाँ पर बिल्कुल फ़ोन का लुक, क्या लुक दिया है यार यहाँ पर देखो। और फीचर्स की बात करेंगे भी, यहाँ पर देखो बोल्ड कितना स्लिम फ़ोन दिया है यहाँ पर देखो। अगर हम फ़ोन को देखें क्या कमाल का लग रहा है यार। तो अब देखो कुछ फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर देखो 50 मेगापिक्सल का ट्रू पिक्सल कस्टम G2 कैमरा प्लस iOS। यहाँ पर देखो भाई एप्पल को टक्कर देने वाला है ये कैमरा की बात करें तो, क्योंकि इसमें भाई 48 मेगापिक्सल के सोनी के IMX586 कैमरा लगा हुआ है। और तीनों कैमरे ज़बरदस्त, यहाँ पर अलग अलग उसके अलग अलग कंपनी के कैमरे दिए हैं भाई। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। और बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। तो यहाँ पर MI 11 Ultra, तो यहाँ पर दोस्तों दो कलर मिलने वाले हैं इसमें MI 11 Ultra में, एक यहाँ पर देखो क्रेमिक वाइट और एक क्रेमिक ब्लैक। तो दो कलर मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखो ये वाटर प्रूफ फ़ोन है गए, और ट्रिपल प्रेमरी यहाँ पर कैमरा सिस्टम मैंने जो भी बताया। यहाँ पर देखो 120x यहाँ पर देखो कैमरे भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और क्लैरिटी की बात भी करेंगे अभी। तो दोस्तों फोकस भी काफ़ी बढ़िया रहेगा इस फ़ोन का MI 11 Ultra का। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर 50x जूम मिलने वाला है इसी इसी फ़ोन में। और यहाँ पर देखो 8K रिकॉर्डिंग होने वाली है इसमें। यहाँ पर देखो आप प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर देखो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 यहाँ पर प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि आप जानते हो कि भी गेमिंग प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर। यहाँ पर देखो 5000 की हाई कैपेसिटी बैटरी मिलने वाली है। और आप चार्जिंग की बात करते हैं, यहाँ पर देखो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। और यहाँ पर वायर्ड प्लस वायरलेस, यानी कि समझ रहे हो कि यहाँ पर भाई यहाँ पर चार्जर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस फ़ोन में।